हाँ पचरी पता रे हेठी आलोचना करो रे मो संगरो भाई आहा हेठी आलोचना करो रे मो संगरो भाई हो हो आउ कोई बकोता को मने रखी ता तू ही आउ कोई बकोता को मने रखी ता तू ही रखो जी होई रे पिला मोहरो देखी तोहरो सुलेई हेला मोहरो देखी तोहरो सुलेई हेला ए प्रश्न उत्तर मते दियो बुधाई मो गायक भाई सुनुथिबे सबजने मन कनन देई सुनुथिबे सबजने मन कनन देई আজি সুবে জীব রাত্র পাই মো দুয়ারি ভাই আজি সুবে জীব রাত্র পাই ভাইয়া ও কোন কইলু বুঝি পাইলুনু বুঝি পাইলুনু ফিটেই কই খুলি গ আমার ঠেঙ্গা কান ধরতু তু করে উত্তরটা কোন প্রশ্নটা পচারলু গো বলে ঠেঙ্গা কান তু ধর ঠেঙ্গাটা ধরছি সর্দা কু না মো ঠেঙ্গা পকা মো ঠেঙ্গা পকা মো ঠেঙ্গা ধরিবি কোন হো কোন কইলু তু তু সেটা থৌনু হ্যাঁ কোন কইলু হইরে পিলা হইরে পিলা হইরে পিলা মোর দেখি কানে তোর সুলেই হেলা মোর দেখি তোর কানে হই রে মূর্খ এত বড় পণ্ডিত সভার ভাষা ঠিক করে প্রশ্ন পচারে ভাষা কু সংযত রাখিবু সভার ঠিক মার্গের প্রশ্ন পচারি কি কোন ভাই কৌ হই রে পিলা মোর দেখি তোর কেনে শুলেই হেলা আকু যে কয় ভণ্ডটা কু ছয় এক দণ্ড ওহো আকু যে ভাবিব আকু যে কয় ভণ্ডটা কু ছয় এক দণ্ড মু খরাপ কই আচ্ছা এড়া হই রে পিলা মোর দেখি তোর কেনে শুলেই হেলা আচ্ছা এটা কাইনে লেখা হইছে ভাইয়া বহি রে কো বহি রে ওড়িয়া বহি রে ওড়িয়া বহি রে কত অধ্যায় মধ্য অধ্যায় দেখো মূর্খ কু দেলে উপদেশ লাগই ব্রহ্ম হত্যা দোষ আরে গোবিন্দ কান কাটি মলা শুনে রে নাদিরি পিলা কোন হলা মু এনাদিরি পিলা কি রে আ কি ভাইয়া রে ও এডা গলে মতে মান্ড মাতু নাই নাই মারিবি নি ভাইয়ার প্রশ্ন হলা হই রে পিলা মোর দেখি তোর কেনে শুলেই হেলা কে কাকু কহিতিলা তার অর্থ হ্যাঁ এ কথাটা কে কাকু কহিতিলা বলি ভাইয়া মতে প্রশ্ন পচারিছি হই রে পিলা মোর দেখি তোর কেনে শুলেই হেলা হা সন্দাকারং ভুজগ শয়নং চলো পদ্মনাভ সুরেশং বিস্পাধারং গগন সদৃশ্যং মেঘবর্ণ সুবন্ধম লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং জ্যোতির্ভিধ্যানগম্যং বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথং সর্বলোকৈকনাথং হরি হরি হে শুনন্দু আহে মো
पंडित जान केड़े सहर रे भैया कोला प्रसन्न से पष्ट सुनी मोर बुद्धि हेला शून्य आदि मातंग पादे गली शरण जगतर नाथ गुरु हुल रे स्मरण विषय वस्तु को करिवि वर्णन ये विषय वस्तु को करिवि वर्णन देव देव महादेव ब्रह्म हत्या कले देव देव महादेव ब्रह्म हत्या कले एको चपड़े ब्रह्मा मुंड छिन्नाइले एको चपड़े ब्रह्मा मुंड छिन्नाइले दिने ब्रह्मांकर प्रोकु जाइचंदि शिव देखिदेले ब्रह्मांकर चारिटा पुस्तक मन मध्ये विचार कले ये कोन मोठु बड़ मोर तो तीनटा मस्तक आंकर काई चारिटा हबो तेणुकरी राग रे जर्जरित होई त्रिलोचन एक चापड़ा रे ब्रह्मा मुंड कु बाबुरे देले छिन्नाइन गोटे चापड़ा रे ब्रह्मांकर मुंड छिंडी गला से ब्रह्मा मुंडा गला कुआडे से ब्रह्मामुंड शिव हस्ते लागिला से ब्रह्मामुंड शिवंक हस्ते लागिला जानी जानी महादेव ब्रह्म हत्या कले होला जानी जानी महादेव ब्रह्म हत्या कले होला ब्रह्म हत्या दोषु निस्तरीबा पाईं ए ब्रह्म हत्या दोषु शिव निस्तरीबा पाईं तप आचरिले बाबुरे कैलासरे जाई तप आचरिले शिव कैलासरे जाई आज्ञा भगवान शिव ब्रह्मा को श्रणा करी ब्रह्मा को तपस्या करुछंती कैलास पर्वत रे ये समय हला कोन आज्ञा आज्ञा जेतेबेले तपस्या को चली जाई जंदी बड़ पुत्र कार्तिकेय हस्तरे पुणि राज्य भार दई कैलासपुर रो भार दई बड़ पुत्र कार्तिकेय को चली जाई जंदी महादेव तपस्या रत छंती ये समय हला कोन आज्ञा हा ए सुनंतु आज्ञा मोर पंडित जन सुनंतु आज्ञा मोर पंडित जन एकाकिनी अछंती पार्वती रेलाण एकाकिनी अछंती पार्वती रेलाण जौवन अवस्था पार्वती को अछि अरे जौवन अवस्था पार्वती को अछि बिना पुरुष रे रहि पारिबो कि बिना पुरुष रे रहि पारिबो कि आगे गोटे जौवन संपूर्ण नारी देवी कन्या मानंगर जौवन सदा संपदा अक्षुण्ण थाए सेतबेले गोटे जौवन संपूर्ण नारी पुरुष विहीने जेहेतु शिव नहांती शिवंगर विहुने आज पार्वती मन मध्य विचार करुछंती कौन विचार करुछंती देख कामर बाधा पुणी पार्वती को जे घारिला आज्ञा कामर बाधा घारिला पार्वती हेले आज्ञा कामर केतुरा सर ना पंचकोटी सर अभिधान कहिला अरविंद सोकंच चुत चलव मल्लिका नील तोलक पंचके पंच बाण ससायका पांचटा बाण होची कंदर्पर गुटे थरे पंच बाण पार्वती को मारी दे चंदी कंदर्प तेणु करी कामर विघलित होचंदी जोग माया मा पार्वती आज्ञा ए पांचटा सररु काकु केतुरा सर मारंदी कंदर्प अभिधान कहिला दिने को भोगी रयंच रसिक ऋतुवर्धके विद्यार्थी चतुर्वाणंच जति पंच सरस्मर अभिधान कहिला
ए जो पांचुरा सर कंदरपर काकू केतुरा मारे दिने को दिन दरिद्र जो माने कुली मजुरिया लोक आ गए तांकू गुट्टे बाण मारंदी कंदरप कोठी की ना मुख पद्म बाण गुट्टे बाण मारा जाए मुख को दिने को भोगी दोयंच जो माने भोग विलास रे थांदी तांकू दीटा बाण मारंदी कंदरप कोठी की गोटे मुख को आ गोटे आखी को दीटा बाण मारंदी दिने को भोगी दोयंच रसी करुत्वर्धक रसी के पुरुष मानकु तिनटा बाण कंदरप मारंदी कोठी कोठी के मारंदी आ गे मुख को आखी की पाटी की मुख आखी पाटी तिनटा को मारंदी कंदरप जत रसिक ऋतुवर्धक विद्यार्थी चतुर्वाणंच वेद विद्या रे जो माने निपुण ताकु चारिटा बाण मारंदी मुख को आखी की पाटी की एवं नाभि की जति पंच सरस्मर ज्योति ऋषि माने देवादेवी मानंकु ऋषि मानंकु कंदर्प पंच गोटी बाण मारंदी मुख आखी पाटी नाभि एवं इंद्रिय ए पंच बाण पुणी कंदर्प जोग मायामा पार्वती को मारी देले सेतेबेले पार्वती जे व्याकुल होइले देखिले कामसर रे घारी होचंदी पार्वती पाखरे नहंदी शिव कोन करिवे पार्वती विचार कले मो स्वामी से नहंदी मो स्वामी गला बेले ए कलासर भार मोर बड़ पुत्र को देखिरि जाइचंदी ए कलासर राजा मो पुत्र दे अटई कलासर राजा मो पुत्र अटई मो पुत्र पाख को एबे जीवि बई मोहर पुत्र जे कार्तिक धान कार्तिक निकट को मुदी जे बहन हेमंत विचारी जे जोग मायाटी हेमंत विचारी जे पार्वती सती कार्तिक पाखरे मिलिले झटती कार्तिक पाखरे मिलिले झटती आज्ञा पार्वती पहुंची गले कार्तिक पाखरे कहिले पुत्र कार्तिक तू हेलु वर्तमान कलासपुर राजा मुहली कलासर राणी प्रीतिदान दे पुत्र मोर मन को संतुष्ट कर अरे मामा गुच्छी पुओ को प्रीतिदान मामा गुच्छी पुत्र को प्रीतिदान जिए सुनी बत्ता मती हुए छन छन मा दाई पुत्र को रे प्रीति मागुछी जिए सुनिले बाबू की भावती जिए सुनिले की भावी वो वसी सुनम दुआ है मो पंडित जन सत्य बेले कार्तिक यो विचारम दीवन सत्य बेले कार्तिक यो विचारम दीवन लक्ष्य देवे मोर पंडित बंधु सत्य बेले कार्तिक विचार गुरु चंदी हे मा जदि माता पुत्र मध्य रे गो होइबो मिलन ए जगत रे किस बोली बोली बे कल्याण जदि मा पुत्र मध्य रे मिलन हबो ए जगत रे कोन कहिबे समस्त निंदा करिबे समस्त निंदा करिबे तेनु हे माता मोर पिता पुणि शिव जय अटंती मो शिवंगर माता पुणि तुमे होइबो झटती मोर पिता हले शिव तुमे होचो मोर लेखा रे आई हबो काईगे मोर पिता शिव से मते मातृ हरण कले जोगमाया गर्भरु तीनटा सन्तान जन्म होले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव जतले जोगमाया को हरण कले मातृ हरण लागला शिव कार्तिकेय कहिले हे मा मोर मा सत मु तम गर्भरु जन्म किंतु तमे मोर लेखा रे आई हो काईगे मो मा मो बापा रे तमे मा मोर बापा पुणि शिव जय अटंती शिवंगर माता तमे जोगमाया होइबो झटती तुम्हें मोर माँ गर मो बापार माँ तुम मोर आई हब कि तुम गर्भर जन्म जदि मु तुम गर्भर जन्म हो तुम सहित प्रतिभा रखी ये जगत कौन कह जगत समस्त निंदा करे आंसूटा गए बापा रखी माँ को पुआध रखिले माँ को ना ना करदे कार्तिक दान से कुपमना जोग माया आपण पार्वती कुपमना हो गले बोले हे कार्तिक जदि तू मत प्रतिदान न दबु मु तो अभिशाप दे से तबले कार्तिक कहिले मा अभिशाप दियोनि मते गोटे घंटा समय दियो घंटा परे जदि मु तुमको प्रतिदान न देबी तापर तमे तो अभिशाप दे कितु गोटे घंटा समय दियो
एक घंटा समय देई माता सती निज गृह को पुनी चलिले घटती घंटा रे समय देई पार्वती चली गली कार्तिकेय कोन कले आगे अरे जगतनाथ गुरे कले स्मरण जगतनाथ गुरे कले स्मरण रख रख ये जगतनाथ पूर्णम रख रखंदु देव परम ब्रह्म ये देव परम ब्रह्म तुमे न रखिले अनाथ होइण मातृहरण दोषरु रख नारायण ए मातृहरण दोषरु रख नारायण हे नारायण ए मातृहरण दोषरु रक्षा करे लक्ष्य करिबे मोर पंडित बंधु ए मातृहरण दोषरु रक्षा करिबा पई कार्तिक जतले जगतनाथ जगन्नाथ रु सुमना करि जंदी जगन्नाथ आसी पहुचिले भगवान विष्णु कहिले पुओ काई डाखि छ मते असमय रे कहिलु ना हे नारायण मो मा मते कहुचि प्रतिदान देबा पई मु जदि मातृहरण करिबी प्रभु जगत रे मते समस्त निंदा करिवे मते जेमिति हेले मातृहरण दोषरु मते बंचै दिए सेतेबेले कहिले नारायण किछि तोरो तते निश्चय मु मातृहरण दोषरु बंचैबी तू गोटे काम करिबु कोन ना तो मा को कहिबो रे पुओ हे मा जदि तुम सहित प्रीति करी जगत रेखिए जगत किए देखा हम तुम सहित जब प्रीति करी जगत रेखिए कहीं मोर पिता जो तुमको हरण कले जगत समस्त देखिले समस्त शिव को निंदा कले शिव मात्र हरण कले तेणु तुम्हें जा तुम माँ को कह जगत रही न देखिए माग तुम मोर गुप्त भाव हेब किए देखनी तुम मोर गुप्त भाव हेब एक कथा जाई तुम्हें माता को कहिबो तापरे मुही उधारी भी दे होबो तापरे मुही उधारी भी दे होबो घंटाए परे पार्वती आसीले कार्तिकेय पार्वती को एमंत कहिले सुनो गो माता मोहर वचन गो मोहर वचन जदि मु तुमको करिवि हरण केहि न देखिबे जे जगते पूर्ण एक निर्जन स्थान को जे दिबो सेठारे तुमर गुप्त भाव हेब पशु पक्षी जे कीट पतंग केहि न देखिबे गुप्त भाव हेब आगोमा केहि न देखिबे गुप्त भाव हेब हे मा जदि मु तुम सहित प्रीति करी जगत रे केहि मध्ये मते देखिबे मोर पिता जेतेले तुमको हरण कले जगत रे समस्त देखिले मोर पिता को निंदा कले तेणु करी हे माता गुरे निर्जन स्थान रे पशु पक्षी कीट पतंग मानव देवता केहि देखिबेनि मु तुम सहित गुप्त संपर्क रखि सेतेले पार्वती जे मने विचारिले एपरि एक निर्जन स्थान को जगार अच्छी जे बोले एमती एक निर्जन स्थान गोटे अच्छी अरे स्वर्गर एक कान नाण स्वर्गर एक कान नाण से कथा पार्वती मन भाविण करुचंदी जे कार्तिकेय शुण स्वर्ग नंदन वन को जीवारे तक्षण सोग एक मन को जीरा जे तक्षण आगे आगे पार्वती जे पछे कार्तिक जाऊ अछंदी पुनी सर्वे रे देख जाऊ अछंदी के सर्वे रे देख आगे आगे मा जाउचंती पछे पछे पुत्र जाउचंती स्वर्गर एक मन मन दे जान पशु पक्षी कीट पतंग मानव देवता कहीं न जाती दक्षिण स्वर्ग एक मन को कहीं मध्य जीवे पशु पक्षी कीट पतंग मानव देवता कहीं मध्य जीवे ना ये समय रे लक्ष्य करंतु मोर पंडित बंधु ये समय रे होइछि कोन एक मन को पुणी दुई जन जाउतंती ये समय रे कार्तिकेय पुणी भगवान नाम जपु अछि हे नारायण तुमे मते रक्षा करो जदि तुमे रक्षा न करिवो प्रभु निश्चय मु एबे अनाथ हेबे मते मातृहरण दोष लागिवो मते जेमे देले तुमे उद्धार करो ए समय रे कोन हला आ गया आ पखी रूप दे एले नारायण
एकाम्रवने बुलीले पक्खाम लक्ष्य करिबे हमर पंडित बंधु जेते बेले एकम्र बन मध्य रे समस्त जेते बेले एकम्र बन रे पहुंची जाई चंदी पक्षी रूप धरि पुणी देव नारायण एकम्र बन रे बाबू रे कोले विचरण शिवो ए पार्वती एवं कार्तिकेय जो जगह रे अछंती पक्षी रूप धरि मयूर पक्षी रूप धरि भगवान विष्णु नारायण मयूर पक्षी रूप रे से स्थान रे विचरण करूछंती हेले कार्तिकेय कहितंती मा जो स्थान रे तुमर मोर गुप्त भाव हबो किए मते देखिया को होबनी पशु पक्षी कीट पतंग मानव तब तक के देखिबेनी हेले ए जो पक्षीटा देखुची यांको आगर मु तुम सते केमते प्रति भाव करिवि ये तो पक्षीटा देखि देबो ना मा मु तुमको सत्य करी कहितली सत्यता थिला किए मते देखिया को होबनी जदि ए पक्षीटी देखि देबो मा जगत रे हमर अपनी दुर्नाम होइबो तेनु करी तुमर मोर गुप्त भाव केबे न होइबो हे माता तेनु करी तुमर मोर गुप्त भाव होई परिव नाही सेतबेले पार्वती पुणी बोलंदी वचन किए तुहि पक्षीवर रे तो निज रूप को देखा वहन जदि तो निज रूप न देखायु रे अभिशाप पुणी तो तू एबे मोठारु पाइबु तू एबे अभिशाप मोठारु पाइबु जदि तू निज रूप देखैबु नै सेतबेले कोन कले आ गया हां चतुरु धारूप होई नारायण पार्वतींक केउहा होई लक्षदेव हमरा पंडित बंधु चतुर्धाम रति रूपरे भगवान विष्णु उभा हेले पार्वती गागरे सेतबेले दुर्गा पुणी अभिशाप देले मोर अभिशाप तुमे बे पाइबो बोइले सेतबेले कहितले होइ रे मोर देखि तोर कोन हला रे मो पुओ सहित मु कोन हबाकू आसले कोन हाली आम कथा आमे बुझु तोर कोन गला होइ रे पिला ए मोर देखि तोर केने सुळई हेला सेमिति पचार नथिले सेरा बायार भाषा आगे प्रकृत रे भगवान का विषय सेमिति कथावार्ता केबे हेबेनि अरे होई रे पिला मोर देख तोर कोन हेला मोर देख तोर कोन हेला बली पचारि थिले सुळे हेला बली पचार नथिले तीन गोटे अभिशाप दे पाई चंदी आगे भगवान विष्णु ते बेले कोन कोन अभिशाप पाइले सुनो आहे नारायण मोहर वचन जो पक्षी रूप धरि मोर मिलन को करिला भगन जो पक्षी रूप धरि मोर मिलन भगन कल मु तुमको अभिशाप देउची से पक्षी रो केबे मध्य मिलन न होइबो दाइक संपर्क दुहिंगर केबे न होइबो तेनु करी मयूर मयूरिंगर प्रीति भाव नाही जेहेतु पार्वती को जोगमा एक अभिशाप रे ता पर कोन कहिले सुनंतु आहे देव नारायण सुनंतु आहे देव नारायण हे देव नारायण ता गांडीर बाळकु तुमे मस्तके हेन दुई गुटी अभिशाप पाई नारायण दुई गुटी अभिशाप पाई नारायण तृतीय अभिशाप पाइले दक्षिण ए तृतीय अभिशाप पाइले दक्षिण तृतीय अभिशाप कोण आ गया समस्त दीडा अभिशाप जान चंदे आ गया तृतीय अभिशाप के जान ना तृतीय अभिशापटा कोण सेत बेले कहू चंदी नारायण को हे नारायण जो पक्षी रूप धरिल मोर प्रीति भग्न गल
गुटे तो प्रीति हेबो नाही मयूर पक्षीर एवं तार गांडीर बालक तमे मस्तक रे धरिबो तृतीय हिसाब हला से पक्षी रूप रे मोर पुअर बहान होई रहिबो से पक्षी रूप रे मो पुअर बहान होई मथियो तमे मो घरे रहिबो अति सुंदर पक्षी से पक्षी देखिले मते लोह लागुचि तणु पक्षी रूप रे मो पुअर बहान होईकि तुमे रहिबो देख तीन गोटी अभिशाप पाई नारायण पार्वती अभिशाप करिले ग्रहण लक्ष्य देव मेरा पंडित बंधु बायार प्रश्न उत्तर आपने बुझी पारे हईरे पिला मोर देखी तोर कणे सुलई हेला ना एमती हेला